माफियाओं से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराए प्रशासन, उस्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज बिहार, मैं हूं आपके साथ पूजा झा। भाकिया अन्नदाता ने तहसील सदर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। शनिवार को पूर्व निर्धारित कार्यकर्त के तहत भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता से जुड़े किसान तहसील सदर परिसर में एकत्रित हुए तथा प्रदर्शन कर तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे उप जिलाधिकारी सदर मनीषा मीणा को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष उस्मान अली पाशा ने कहा, जनपद में कई हजार हेक्टेयर शत्रु संपत्ति है जिस पर भू माफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं और प्रशासन आंख मूंदे उनको संरक्षण दे रहा है जिसको किसी कीमत सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को सुझाव दिया कि ऐसी जमीनों को कब्जा मुक्त करा उन पर तनाव जमीनों को दिया जाए, इसमें प्रशासन का 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा क्योंकि हाईवे बनाने में बहुत मिट्टी की जरूरत पड़ती है। ऐसे में काठगोदाम हाईवे बनाने वाली कंपनी को इस भूमि से खनन करने का आदेश दिया जाए। प्रदर्शन कर ज्ञापन देने वाली में मंडल अध्यक्ष अब्दुल हफीज मासूम मियां, शबाना खान, जीनत खान, दानिश मियां, मोहम्मद फैजान, रागिम खान, खान उल्लाद खान, रामपाल, संजीव राजपूत आदि लोग मौजूद रहे। रामपुर से उर्मिला पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीएन न्यूज बिहार। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने तहसील दिवस में प्रदर्शन करने के बाद में तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारे एसडीएम सदर साहब को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है जिसमें प्रमुख समस्या ये है कि हमारे ज़िले में कई हज़ार हेक्टेयर भूमि जो कि शत्रु संपत्ति है उस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। ऐसी ही एक भूमि है जो लगभग 20 हेक्टेयर भूमि हमारे अहमदनगर पहाड़ी में है जिसमें एक भूमाफिया थे फिरोज खान, जिनका मतलब देहांत हो चुका है। अब उनके पुत्र ने उस भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और हमारा पूरा ज़िला डार्क जोन लगभग हो चुका है जिसमें हमारे ज़िले में जो पानी की कमी है, पेयजल की बहुत बुरी हालात है और अब इस टाइम पे बारिश नहीं होने की वजह से वाटर लेवल दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा है। तो हमने कई बार सरकार को सुझाव दिया, जो हमारे कमिश्नर हैं तो उस समय रामपुर ज़िले के जिलाधिकारी थे, उनको ज्ञापन में हमने ये सुझाव दिया था कि आप ऐसा करिए कि जितनी भी सरकारी ज़मीनों पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, इन ज़मीनों को कब्जा मुक्त कराने के बाद में इन पर तालाब खुदवा दीजिए और तालाब खोदने में भी 1 रुपये का खर्चा नहीं आएगा। वो इस तरह से किया जाए कि जो जिस किसान को किसी को मकान बनाने के लिए, अपने जो भराव करने के लिए या हाईवे बन रहा है उसमें मिट्टी की ज़रूरत है, तो उस मिट्टी को जो है और जगह से खनन ना करके उस ज़मीनों में से, सरकारी ज़मीनों में से खनन कराया जाए और खनन कराने के बाद में उन ज़मीनों में जब इतनी बड़ी कई हज़ार हेक्टेयर भूमि में जब पानी भरा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो ज़मीन जो है पानी को सोखेगी और पानी को जब सोखेगी तो हमें वर्ष भर इतना पानी मिलता रहेगा कि जो मतलब डार्क जोन से सारे जो हैं लाइट जोन में आ जाएंगे जितना भी जोन है। लेकिन क्योंकि प्रशासन, हमारा तहसील प्रशासन ऐसे भूमाफियाओं के हाथों बिका हुआ है और ये कभी भी ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए दृढ़ निश्चय कर ही नहीं रहा है क्योंकि उन लोगों ने इसमें तहसील कर्मियों की मिली भगत से उन लोगों ने ये किया है कि वहाँ पर मुकदमे डाल दिए और मुकदमे डालने के बाद में ये लोग पैरवी नहीं कर पाते। जब पैरवी नहीं कर पाते तो वो कई सालों से लगातार उन ज़मीनों पर अवैध कब्जे बनाए हुए हैं। तो इनको ये करना चाहिए कि तुरंत ऐसे भूमाफियाओं से ज़मीन कब्जा मुक्त कराने के बाद में, और ज़मीन और जगह करना ही है, उस ज़मीन का प्रयोग करना है तो बहुत से भूमिहीन लोग हैं उनको पट्टे पर ज़मीन दी जाए ताकि वो उनका भी जीवन यापन कुछ सुधर सके। लेकिन नहीं, वो एक भूमाफिया को करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति, संखपति, नीलपति बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब दिन प्रतिदिन गरीब होता चला जा रहा है। तो इन भूमाफियाओं पर नकेल अगर नहीं कसी गई तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जब तक ज़मीनें ये कब्जा मुक्त नहीं होंगी हम लगातार धरने प्रदर्शन करते रहेंगे। जय जवान, जय किसान।